आवास दिलवाने में आपका क्या भूमिका रहा? आवास दिलवाने में पंचायत में सर्वेक्षण किए, जिसको गरीब को घर नहीं था उसको घर दिलवाने के लिए सबका सूची भिजवाए और फर्स्ट फेज में जो है 300 आदमी के आवास प्लस मिला है, दूसरा फेज में जो है 400 आदमी का रहा है, सबको मिलेगा जिसका घर नहीं था घर बनेगा। हम चाह रहे हैं कि पंचायत में जो है बेघर का कोई आदमी नहीं रहे, सबको घर बन जाए। तो ये बदलाव पहले क्यों नहीं हो पाए? पहले आप पहले के बात हम क्या करें, हम अपने समय की बात करते हैं, लाभ हम खुद सोच के करवा रहे हैं कि हमारे पंचायत में कोई बिना घर के नहीं रहे। आप तो इससे पहले भी आए थे, ग्राम में मिले थे आवास, जिन लोगों को मिला हम लोग से मिले थे, जिनको नहीं मिला उनसे मिले थे, बिजली के लिए आप पूछताछ किए थे और सारे बात पर हमसे बात किए थे। हमारे पंचायत के जो भी समस्या उसको दूर करेंगे और समस्या का समाधान के लिए हम तत्पर रहेंगे। जब वीडियो बनाना शुरू किए थे तो 15 परिवार के लेकर के आवेदन दिए थे, बदलाव आते आते ये वीडियो रिपोर्ट बनी तो और मुद्दे सामने आई, जब बदलाव हुआ तो कुल 400 परिवार को आवास का लाभ मिला। हमने गए मुखिया जी के पास और बोले कि हमारे वार्ड में जो है आवास मिलना चाहिए और आदमी 15 आदमी को मिला है। तो ये बदलाव पहले क्यों नहीं हो पाया? पहले हम लोग का उतना थोड़ी जानकारी था कि क्या है नहीं है, अब हम तो नया भी जितने दिन हैं। तो ये बदलाव कैसे हो पाया? हुआ है मुखिया जी के माध्यम से हुआ है, हम लोग भी प्रयास किए, ब्लॉक गए, ब्लॉक से आए, प्रयास हुआ तो हुआ, मिला है सब। हाँ। आप गए वहाँ हमारे वहाँ तो हमारे ग्रामीण से मिले, वीडियो बनाए आप, हमसे बात किए, मुखिया जी से बात किए, तब जा कर के बदलाव आई। कितने किस्तों में मिलने वाला? 3 किस्त में मिला। कितना कितना? 45-45 दो बार, एक बार 40। ले घर ना मिल रहे हैं तो की समस्या हो इतना लगा है के? आंधी बिहार में दिक्कत होता था, पानी उन्हीं घर में छू रहा था, समस्या यही गड़बड़ था, खाना वाना बनाने में दिक्कत होता था। हर चीज घर परिवार के भी सुरक्षित है, बच्चा लोग को भी लेकर रहने में भी सुरक्षित है, खाना पीना भी बनाने में सुरक्षित है। अभी भी आ रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, सुरक्षित तरह से घर में रह सकते हैं। क्या बात है, कहाँ से कुछ लोग से घर द्वार बन गया? बहुत दिक्कत है, बारिश उरिश आता था तो पूरा घर टूटा था, बहुत तरह की दिक्कत है, और भी खाना पीना भी बनाते थे तो कुछ भी होती थी। अब घर बन गया तो किस तरह की समस्या दूर हुई है? अब घर बन गया है तो ठीक है, मन में खुशी भी है, बहुत अच्छा हुआ है। अभी आंधी तूफान चाहे कुछ भी आएगा तो उस तरह से दिक्कत नहीं होगी, तुरंत अपने घर में आके आराम करेंगे। मतलब बच्चे सबके साथ आप सबके सहयोग से हुआ है, मुखिया जी के सहयोग से, वार्ड मेंबर के सहयोग से। मैंने इस मुद्दे पर वीडियो बनाया, समुदाय के साथ बैठक की, उनको वीडियो दिखाएं और आवेदन लेकर मुखिया से बात की और बदलाव को लेकर के मुखिया और वार्ड से मिलते रहे। अब मुखिया और वार्ड के सहयोग से इन परिवारों को आवास मिल गया है। 15 परिवार को लेकर के वीडियो बनाना शुरू किया तो जो अन्य बचे लोग थे इस वीडियो के माध्यम से उनको भी लाभ मिला, जिसमें 2000 लोगों को राहत मिल रही है। मैं ननु, जिला सीतामढ़ी, बिहार, इंडिया, अनहट के लिए।